गाइज, वेलकम बैक टू सनशाइन फैशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम कट करेंगे सिंपल कुर्ती और स्टिचिंग भी करेंगे। तो पहले मैं लाइनिंग फैब्रिक पर कट करूंगी, फिर मेन फैब्रिक पर कट करूंगी। तो पहले मैं इधर फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड कर लूंगी। तो पहले हमें लेंथ मेजर कर लेना है, जितना हमारा कुर्ती का लेंथ है। लाइनिंग में 4 इंच कॉम कर लेना है। तो मेरी कुर्ती का लेंथ है 38 इंच, इसलिए मैं इधर 34 इंच ले रही हूँ। फिर हमें ले लेना है शोल्डर। शोल्डर के लिए मैं इधर ले ली हूँ 6 इंच। आपका शोल्डर है उससे उसको डिवाइड कर 2 में डिवाइड कर लेना है और 1 इंच माइनस कर लेना है। फिर मैं ले लूंगी आर्म होल लाइन, शोल्डर से नीचे आर्म होल लाइन ले लेना है। मैं इधर आर्म होल लाइन 6.5 इंच में मार्क करूंगी। दोनों लाइन को मिला लेना है। फिर इधर सीधे लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, तो इस लाइन में हमें बॉस राउंड की लेंथ दे लेना है। मैं जो 32 साइज की कुर्ती बना रही हूँ, तो 32 को 4 में डिवाइड कर लेना है, तो हो जाएगा हमारा 8 इंच। थोड़ी सी लूजनेस देने के लिए मैं इधर 1/4 इंच ज्यादा ले रही हूँ। ये देखिए, और सिलाई के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर हमें शोल्डर से नीचे 14 इंच पर एक मार्क करना है और 20 इंच पर एक मार्क करनी है। तो जो 14 इंच पर मार्क किया था हमने, उधर वेस्ट राउंड ले लेना है। वेस्ट राउंड मेरी मेजरमेंट के हिसाब से 26 है, उसको 4 में डिवाइड कर लेना है, तो आ जाएगा 6.5 इंच। थोड़ी सी लूजनेस देने के लिए मैं इधर 6.75 इंच ले लूंगी। फिर सिलाई के लिए हमें सीम अलाउंस 1.5 इंच ले लेना है, 1.5 इंच ले लेना है। जो मेरी मेजरमेंट के हिसाब से हिप राउंड है 32.5 इंच, उसको 4 में डिवाइड कर लेना है, तो हमारा आ जाएगा 8.14 इंच। इसे देखिए, इसे मार्क कर लेना है। तो 8.14 इंच प्लस 1/4 इंच अलाउंस के लिए। फिर मैं इधर ले लूंगी स्टिच के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। फिर इस सारे पॉइंट को मिला लेना है। ये देखिए, मैंने सारे लाइन को ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। जो हमारा बॉटम लाइन है वो हमारा 20 इंच रेडी रहेगा, तो इसलिए मैं इधर ले रही हूँ 11 इंच 1 इंच स्टिचिंग के लिए। तो हुए, हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है।
सा गुलाई दे देना है, क्योंकि हमारे बॉडी के हिसाब से हमें गुलाई से इधर ड्रॉ करनी होती है और इधर भी थोड़ी सी गुलाई से दे देनी है। ऐसे ड्रॉ कर लेना। फिर हम ड्रॉ करेंगे आर्म होल की। तो जितना हमारा आर्म होल है उसको आधे में एक पॉइंट दे देना है और इधर से 1 इंच की गोलाई दे देनी है। ये देखिए मैं कर्व स्केल की मदद से इस पर यहाँ पर गोलाई कर दूंगी। आप चाहे तो अपनी हैंड में इधर हल्का राउंड से दे देनी है। हमारी आर्म होल की राउंड। तो इधर मैं नेक की कटिंग के लिए नेक की विड्थ 2.5 इंच रख रही हूँ और जो फ्रंट नेक की लेंथ वो 7 इंच पर मार्क करूंगी। फिर इधर 2.5 ले लेना है और एक बॉक्स बना लेना है। गोलाई शेप दे देनी है क्योंकि फ्रंट नेक में राउंड रखूंगी तो इधर गोलाई शेप दे दूंगी। तो क्योंकि हम दोनों पीसेस फ्रंट और बैक को एक साथ ही कट करें इसलिए पहले हम इस लाइन को कट करेंगे फिर नेकलाइन को कट करेंगे। जो उस साइड की मार्किंग है उसको कट कर लेना है। तो चलिए हम फैब्रिक को कट करते हैं यहाँ से। ये कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हमारा जो साइड के जॉइंट है इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। जहाँ हमारा मार्किंग है उधर हम नॉच मार्क लगा लेंगे। ऐसे पकड़ते हुए हमें छोटा छोटा कट दे देना है जैसे स्टिचिंग करते वक्त हमें पता चल जाए कि निशाना कहाँ पर है। अब एक पीस को निकाल लेना है, उसको साइड करके रख लेते हैं, फिर बैक में कट करेंगे। ये मेरे फ्रंट पीस है। अब मैं फ्रंट की नेक की कटिंग करूंगी। ये जो मैंने मार्क किया था इसको कट कर लेनी है। बोला सकते तुम्हें इधर कट कर लेना। हम बैक नेक में एक प्यारा सा डिजाइन देंगे। ये देखिए 2.5 इसकी विड्थ रखना है। मेरी मेजरमेंट के हिसाब से बैक नेक की लेंथ है 9 इंच, तो फिर मैं 9 इंच पर मार्क कर लूंगी और एक निशाना लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। ये देखिए 2.5 इंच मैंने इधर लिया है और एक बॉक्स बना लेंगे। मुझे गोलाई शेप देना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इधर 2.5 इंच पे मार्क करते हुए मैं इसे फ्री हैंड में गोलाई शेप दे दूंगी क्योंकि पीछे के साइड मुझे डोरी लगानी है। तो ये देखिए मैं इधर गोलाई शेप ड्रॉ कर लूंगी। इधर भी हमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए मेरी बैक नेक की रेडी हो गई है। ये देखिए इसको मैं
कट कर लूंगी। इधर नेल की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये देखिए मैं इधर कट कर लूंगी। फिर हम नेक की स्टिचिंग करने के बाद कट करेंगे। ये देखिए मेरे फ्रंट की कटिंग हो गई है। लाइनिंग को सीधे साइड में इसे डाल लेंगे। फिर इधर नेक पर हम स्टिचिंग कर लेंगे और पलटने के बाद इस चारों तरफ को स्टिच कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको रख लेते हैं। इसे जब स्टिच करेंगे तब भी मैं बताऊंगी। फिर हम बैक साइड की कट करेंगे। मैं इधर फ्रंट साइड को रखते हुए बैक साइड की कट कर लूंगी। यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। हो गया हमारा बैक और फ्रंट की कटिंग। इसको साइड में रख लेंगे। तो चलिए अब स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की कटिंग करने के लिए ये देखिए मैंने चार फोल्ड करते हुए फैब्रिक को रख लिया है। फिर हम स्लीव की लेंथ ले लेंगे। जितना लेंथ है हमारा मेरी मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ है 14 इंच प्लस स्टिचिंग के लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी तो 15 इंच लूंगी मैं इधर। और जो स्लीव की राउंड है वो है 4.5 इंच और सेम स्टिचिंग के लिए मैं 1.5 इंच लूंगी तो टोटल हो जाएगा हमारा 6 इंच। फिर मैं इधर 9 इंच पर मार्क करूंगी। और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लूंगी इधर। ये देखिए मैंने लाइन को सीधा ड्रॉ कर लिया है। फिर ओपन साइड से 2.5 इंच डाउन करूंगी और ऐसे स्लैंट प्लेट दे दूंगी। इसका जो मिड होगा ये देखिए 4.5 है इसकी मिडिल पॉइंट। तो इस यहाँ से यहाँ तक जिस मिडिल है वहाँ से हाफ इंच ऊपर ले लेना है और यहाँ से यहाँ जो मिडिल है वहाँ से हाफ इंच नीचे ले लेना है। तो हमें ऐसे गोलाई शेप देते हुए फिर इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और एक ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्लीव की मार्किंग हो गई। अभी चलिए कट करते हैं। तो चलिए स्टिच स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इधर पहले स्लीव रेडी करूंगी। स्लीव के लिए मैं इधर प्लीट्स लगाऊंगी। इसके लिए मैंने ये 1.5 इंच में फैब्रिक ले लिया है कट करते हुए। ये देखिए इसे कटते हुए प्लीट्स हमें रेडी कर लेना है। देखिए मैं पहले प्लीट्स रेडी कर लूंगी।
ये देखिए प्लेट्स बन के रेडी हो गया है दोनों हाथ की। अब स्लीव में हम जॉइंट कर लेंगे। वैसे सीधी तरफ से रखते हुए हमें इसको ऐसे अटैच कर लेना है। और फिर यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह से हमें दोनों हाथ में रेडी कर लेना है। ये देखिए हमारा दोनों साइड का स्लीव बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे और फिर फ्रंट और बैक पीस को रेडी करेंगे। तो देखिए मैं पहले ये है फ्रंट की सीधे साइड। सीधी साइड में लाइनिंग फैब्रिक को रखते हुए मैं नेक के ये चारों तरफ स्टिच लगा लूंगी पहले 1/4 inch पर। चलिए स्टिच लगा लेते हैं इधर। देखिए मैंने इधर स्टिच लगा ली हूँ। अब कैसे ही करते हुए बैक साइड में भी स्टिच कर लेनी है और ये जो फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। बैक साइड पे मैं डोरी लगाऊंगी तो इसलिए मैंने क्या किया है पहले से ही डोरी रेडी कर ली है। मैं अभी डोरी देते हुए स्टिच करूंगी। ये देखिए इधर मैंने कट कर ली ऐसे करते हुए चारों तरफ हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है। देखिए मैंने चारों तरफ छोटा छोटा कट लगा लिया है। कट लगाते वक्त ये ध्यान रखना है जैसे कि हमारा स्टिचिंग लाइन ना कटे। फिर इसको पलट लेना है। ये देखिए मैंने पलट लिया है। इधर पलटने के बाद पूरी कुर्ती में लाइनिंग को अटैच करते हुए चारों तरफ स्टिच कर लेना है। ये देखिए जैसे जैसे जहाँ जहाँ मैंने पिन लगाया है उधर बड़ा वाला स्टिच लगा लेना है ऐसे करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ही साइड में फ्रंट और बैक में। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है उसको कट करके फिनिश कर लेना है। अब देखिए शोल्डर की जॉइंट कर लेंगे हम ऐसे फैब्रिक को रखते हुए सीधे के ऊपर सीधा उल्टा साइड और उल्टा साइड। शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम स्लीव अटैच करेंगे इसमें। ये देखिए अभी हम स्लीव अटैच करेंगे तो स्लीव अटैच करने के लिए ये हम मेरी सीधी साइड है और ये देखिए ये उल्टी साइड है स्लीव की। तो हमें क्या करना है उल्टी साइड जैसे ऊपर रहे
ऐसे रखते हुए हमें स्टिच करना है, इसका ध्यान रखना है। फिर हम अटैच कर लेंगे स्लीव। स्लीव को खींचना नहीं है। ऐसे ही करते हुए हमें दूसरी साइड भी स्लीव अटैच कर लेनी है। मेरे दोनों साइड की स्टिच हो गई है। अभी मैं इधर जिगजैग स्टिच लगा लूंगी। मैंने इधर जिगजैग स्टिच लगा लिया है। अभी मेरी स्लीव लग के रेडी हो गई है। फिर हमें दोनों साइड में स्टिच लगा लेना है। हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए स्टिच इधर लगा लेना है दोनों साइड। इसी तरह से दोनों साइड को गैप देते 1.5 इंच की गैप देते हुए हमें स्टिच लगा लेना है। फैब्रिक को पलटने के बाद हमें क्या करना है, एक साइड से ऐसे ये देखिए दोनों ओपन साइड है ना, तो एक साइड से हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करते हुए हमें इस किनारे पर स्टिच लगा लेना है। अब हम स्टिच करेंगे। इस किनारे पर स्टिच लगा लेना है। इधर हमें निडिल को नीचे रखते हुए घुमा लेना है फैब्रिक को। इसे फिर स्टिच करना है। अपनी तरफ फिर किनारे पे स्टिच लगा लेना है। ये देखिए ये ऐसे आएगा। और फिर इस किनारे पे और एक स्टिच लगा लेना है। दूसरी साइड भी सेम करना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड पर स्टिच लगा लिया है। अभी जो फैब्रिक का नीचे का साइड है उस पर मैं इसे दोनों दो फोल्ड करते हुए इधर स्टिच लगा लूंगी। अभी फ्लावर बना लेंगे डोरी के लिए। इसे मैंने 3 इंच 3 इंच में दो फैब्रिक ले ली हूँ। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसे फोल्ड कर लेना है। दूरी को ऐसे रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। Thank you.
बन के रेडी हो गया है। ये देखिए साइड में मैंने 2-3 स्टिच लगा लिया है इधर। आपको भी 2-3 स्टिच लगा लेना है। ये देखिए मैं पलट के दिखाती हूँ आपको। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है कुर्ती की। ये टॉर्च लगा लिया मैंने। इस कुर्ती बन के रेडी हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स पे जाना है और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऐड से क्लिक कर लेना है, जैसे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।